Welcome back to our YouTube channel, that is Commerce by Anoop Sir. In last video, we have discussed about the introduction to the human resource management. Related to the same topic, we will discuss in this video. What is the difference between personal management, HRM and HRD? Because these are the three terms which confuse the students the most. What is HRM, what is personal management, what is HRD? Some researchers or some students use these terms as synonymously, but these three terms are different in their meaning, different in their scope, and different in their objective, as well as different in their functioning. So, जो सबसे पहला word आता, that is personal management. In the earlier time, the HRM is known as पर्सोनल मैनेजमेंट. स्टार्टिंग में हम जो एच आर एम का कंसेप्ट पढ़ते थे वो पर्सोनल मैनेजमेंट था, कि कैसे हम इम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हैं, कैसे हम इम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हैं. तो जो अर्लियर टाइम में कंसेप्ट था वो न जाना जाता था पर्सोनल मैनेजमेंट के साथ. जैसे जैसे उसका स्कोप बढ़ा, जैसे जैसे उसकी ज़रूरतें बढ़ी, या जैसे जैसे उनका काम करने का तरीका बढ़ा, तो पर्सोनल मैनेजमेंट की जो टर्म है दैट इज शिफ्टेड टू द एच आर एम, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, जिसमें हम जो है वर्किंग या एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स जो है स्टडी करते हैं. तो और इसी के साथ एक वर्ड आता है एच आर डी, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ एच आर एम. दिस इज ए पार्ट ऑफ एच आर एम. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ एच आर एम. इट हैज़ नॉट रिप्लेस्ड HRM, it is the part of HRM. कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ एक डिपार्टमेंट बना दिया गया जो इम्प्लॉयज की डेवलपमेंट को लेके काम करता है. तो पहला वर्ड पर्सोनल मैनेजमेंट, HRM एंड HRD, आपको इनका मीनिंग क्लियर हुआ. पर्सोनल मैनेजमेंट इज सिंपली द मैनेजमेंट ऑफ द इम्प्लॉयज, मीन्स जो हमारे पास लोग हैं सिर्फ हमने वही मैनेज करने कि कितना अच्छे से वो परफॉर्म कर पाए, किस तरीके से वो काम करे. सिर्फ हमें ये देखना है कि जो ड्यूटीज़ उनको असाइन की गई हैं, जो काम उनको असाइन किया गया था, वो उसको सही तरीके से पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. तो पर्सोनल मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. देन एच आर एम इज मैनेजमेंट ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज. मतलब वहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे थे कि लोगों को जो काम दिया गया है वो सही ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. यहाँ पे हमने मैनेजमेंट ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, किस किस एम्प्लॉय के अंदर क्या स्किल हैं, उनको उस स्किल के अकॉर्डिंग काम देना, तो दैट इज एच आर एम. और इसी के साथ एच आर डी, दिस इज द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट फंक्शंस फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, मीन्स एम्प्लॉयज़ को हम किस तरीके से ट्रीट करें, या कैसे हम उनके साथ जो है कौन सा प्रोग्राम डिजाइन करें कि उनकी परफॉर्मेंस में जो है लगातार या कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता रहे. तो क्लियर हुआ कि एच आर एम, पर्सोनल मैनेजमेंट और एच आर डी में क्या डिफरेंस है. पर्सोनल मैनेजमेंट सबसे ओल्डेस्ट कंसेप्ट है, जब हम एच आर एम स्टार्ट हुआ था उस टाइम उसको पर्सोनल मैनेजमेंट करते थे, अब हम उसको एच आर एम के नाम से पढ़ते हैं. और एच आर डी जो है एच आर एम का ही पार्ट है, या उसका सब फंक्शन है. कि एच आर एम के जो वेरियस फंक्शंस है ना, जो हमने पिछले उसमें किए थे अपने वीडियो में, जिसमें हमने कहा था कि डेवलपमेंट फंक्शंस, वो यही है एच आर डी, कि हम इम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे. और इस नेक्स्ट पॉइंट इज मैन एज ए फाइनेंशियल मीन्स. मीन्स जो पर्सनल मैनेजमेंट था वो लोगों को फाइनेंशियल मीन्स के तौर पे देखता था, कि इम्प्लॉयज़ को हम अपने फ़ायदे के लिए लेके आए हैं, उनसे हमें काम करवाना है, वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए आए हैं कि 9 to 5 ड्यूटी करें और उसको ख़त्म करें. बट एच आर एम कंसिडर इम्प्लॉयज़ एज ए एसेट्स, कि इम्प्लॉयज़ हमारे एसेट्स हैं, दे आर आवर एसेट्स, वी हैव टू फोकस ऑन दैम, वी हैव टू यूटिलाइज दैम फुल्ली. Employees are our assets, which will helpful in the future. And HRD, this man as a future assets. वो कहता है कि जो employees हमने आज hire किए हैं वो आने वाले 5 साल 10 साल बाद भी हमारे लिए काम करेंगे, इस तरीके से हमें काम करना है. तो personal management considers man as the financial means, it consider man as the assets and it consider man as the future assets. In personal management, there is the control over the employees. They control their activities, they control their timing, they control their methods of doing. Then control over
the employees. And in HRM, there are investment on the employees, means we invest on the employees, we leave them for free, we leave them to do the work in the way in which they want to do. So investment on the employees. And this is overall development of the employees. Ki HR day mein hum ye dekhte hain ki employees ka overall development kaise kiya jaye, unko future ke liye kaise taiyar kiya jaye. In personal management, we use employees for the organizational benefit. मीन्स सिर्फ हम ये देखते थे कि एम्प्लॉयज़ किस तरह से काम करें कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट हो, चाहे एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड हो या ना हो, उनका पर्सनल गोल अचीव हो रहे हो या नहीं हो रहे हो. वी आर थिंकिंग ओनली अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स. बट इन एचआरएम वी कंसिडर फॉर बेनिफिट ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉयज़. मीन्स वी शुड इंटीग्रेट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द employees. Means if organization is growing, the employee should also grow. We give them chance to grow. So this is HRM, and this is also the benefit of both for the future. Means in future time mein organization aur employees dono saath saath kis tarike se grow karenge uske upar ye kaam karta hai. So this is personal management, HRM and HRD. Personal management is the oldest. This is precedence to the HRM. ये HRM से पहले जो हम employee management के ऊपर काम करते थे उसको personal management बोलते थे. And आज का जो हमारा human resource management है, that is known as HRM. And HRD is the part of HRM. So in the simple meaning, in the summary, we can say that HRM is a broader concept जिसमें HRD आता है, और this is the newer concept, and personal management is the older concept जो पुराने टाइम में हम पढ़ते थे. तो पर्सोनल मैनेजमेंट मे बी नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और सम टाइम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मे बी नोन एज पर्सोनल मैनेजमेंट. बट दीज टू टर्म्स हैव डिफरेंट मीनिंग, एंड दीज ऑल थ्री टर्म्स हैव डिफरेंट मीनिंग. आई होप देर इज द क्लियर डिफरेंस बिटवीन पर्सोनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड HRD. बट ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना शुरू करते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसा डिफरेंस है. और पेपर में भी बहुत बार पूछा जाता है, नेट के पेपर में भी या किसी भी पेपर में, कि स्टूडेंट को HRM, HRD और पर्सनल मैनेजमेंट का डिफरेंस जो है क्लियर होना चाहिए. आई होप ये क्लियर है. अगर फिर भी कुछ आपका सजेशंस हैं या कुछ आपको इससे रिलेटेड क्वेरीज हैं, तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, वी विल रिप्लाई दीज क्वेरीज. थैंक यू.